अरे जानता हूं तू बहुत बड़ा दर्जी है, लेकिन तू मेरा कपड़ा फटाफट सी के देना मामा, फटाफट चाहिए मेरे को। अच्छा सुन, अभी धोती है मेरे पास, हाँ मेरे को ऊपर सिल्क का कुर्ता दे, सिल्क का बंडी दे मस्त, और ऊपर जरीमरी वाला टोपी दे चक्का चक। हाँ अरे नाप का क्या करना रे, नाप मैं तेरे को भेजता है ना बाद में, पहले तो कपड़ा तो सीखे फिर। हाँ हाँ देख लिया? हाँ जी देख लिया, पूरा घर देख लिया ना? हाँ जी। एक कोना भी नहीं बचना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। मेरे को पूरे घर में प्लास्टिक पेंट, क्या प्लास्टिक पेंट होना। हाँ। और जो कुआ है ना, हाँ। उसके अंदर बाहर दोनों साइड पे मेरे को वॉलपेपर होना, दोनों साइड पे। हाँ। ओ 15 रुपए फिट का रेट हो जाएगा सर। अरे तू फिकर मत कर पैसे का, मेरे को काम चक्का चक होना, समझ गया ना तू? हाँ जी हाँ जी। अरे काय रे मंडली, ये तुम लोग अपना मुंह क्यों नहीं दिखाते रे बाबा, खुद का पैसा मांग रहे, इतना शर्माना कैसा? बोलो बोलो बोलो, तुम्हारा हिसाब कितना है बोलो मेरे को। मेरा होता है 7,200। मेरा 8,300। मेरा वैसे तो 9,100 है, लेकिन ब्याज मिला के 10,000 होता है। खैर ब्याज की परवाह नहीं है। क्यों रे ब्याज क्यों नहीं लेने का, हिसाब से बनता हूँ, एक एक पैसा ले लेने का। हाँ तू 10,500 लेना, तू 9,000 लेना, और तू 8,000 लेना, ठीक है? और देख ये सबका सब पैसा कल लेके जाना, मेरे को सर पे उधारी नहीं चाहिए। और पीटर ये मेरे को हर रोज बाटली लेके जाने का किट नहीं मांगता रे, महीने में 2 बार तू दारू का टैंकर भर के लाने का, और ऊपर पानी की टंकी में डाल देने का, जब मेरे को चाहिए तब नल खोल के गिलास भर लूंगा मैं, ठीक है? राजू बाबू है तो ऐसे पागल हो रहे जैसे उनकी शादी हो रही है। अरे यार क्यों इतना ढिंडोरा पीट रहा है, लगता है इसके बारात में पुलिस वाले ही आने वाले। सब गाड़ी का टायर बदली कर, और उधार तो लेना नहीं है, पैसा एडवांस में लेके जाना, समझा? एक बात बताओ, कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी? नहीं रे बाबा कोई लॉटरी नहीं लगा, और मेरे को कोई फोन भी नहीं आया। कौन सा फोन? अरे कोई रॉन्ग नंबर भी नहीं आया। अरे बाबू भैया आलू पक गए, जल्दी आके खा लो, आ जाओ। क्या कर रहे हो, कल क्यों बुला रहे हो उनको? अरे मेरे को नहीं चाहिए रे, उधारी का टोपी नहीं चाहिए मेरे सर पे। अरे भैंस चारा खा रही और तुम दही बेचने की बातें कर रहे हो उनसे? मंजे ख्याली पुलाव मत पकाओ, सब कुछ निपट जाने दो, 3-4 दिन बाद बुलाना उनको, जाओ। 3-4 दिन के बाद बुलाओ? हाँ जाओ। प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का, संडे को आ, संडे को मस्त नहा धो के आ, और आना मैं तुम्हें घर पे आके दे के जाऊंगा, संडे को। पक्का ना? पक्का। चलो अभी देख लेते हैं। अरे बाबू ये सुबह से इतने पी रहे हैं, क्या बात है? अरे कल अपने सब सपने हकीकत में बदलने वाले, इसलिए मैं सपने में ही रहना चाहता हूँ। लेकिन इतनी फजूल की खर्ची क्यों भाई? अरे कोई फिक्र नहीं रे, ऊपर वाला जब भी देता है देता छप्पर फाड़ के, समझा कि नहीं समझा? चमाला लगते मेरे को गाना गाना पड़ेगा। क्या करा रहे तुम लोग यार? क्या बात है श्याम सेठ, आज ये हेलमेट पहन लो, कल तो सोने का मुकुट पहनोगे बेटे। अच्छा, अगर कामयाब हुए तो, वरना तो कैरी की टोपी पहननी पड़ेगी। ए देवा देवा देवा, ये पनौती मत मार रे, मेरे को वापस दवाई लेना पड़ेगा। ये सुबह सुबह क्या दारू पी रहे हैं? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। ये अपना भी टेंशन बढ़ा देगा साला। साला किसको बोलता है रे तू? साला किसको बोलता है? बाबू भैया मेरे को बोला, मेरे को बोला, वो मेरे को बोला, तेरे को बोला, मेरे को बोला। ये लो पेन, लेकिन साला चलो 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 बोल जा, नहीं बोलने का। क्या बाबू भैया आपको दिखाई नहीं देता? अरे कैसे दिखेगा, हलकट ऐसा रुपये मटका चढ़ा हुआ है, आंखों पे चश्मा नहीं है, कैसे दिखेगा? जा चश्मा ला मेरा। हाँ हाँ चिल्ला क्यों रहे, ला रहा हूँ ना। तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ, अगर आज पहे मिल गए तो हम लोग गांव वापस चले जाएंगे, और अगर पहे नहीं मिले तो मेरी लाश उठाकर गांव ले जाना। राम राम सत्य है। ओए रुको यार, मरने तो दो। कंश्याम, कंश्याम किधर? ये लो आपका। अरे आपकी तारीफ? खड़क सिंह। ओए खड़क सिंह, खड़क सिंह तो मैं हूँ, तू किधर का खड़क सिंह? ओए खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। नहीं नहीं खड़क सिंह तो आप हैं, हम तीनों तो शाम के दोस्त हैं। दोस्त हैं। आप तीनों की शक्ल मिलती है, जुड़वा हो? नहीं हम तीनों तुड़वा है। और ठीक है, पहला जुड़वा थे फिर तड़के हैं। हाँ बराबर बराबर। हाँ उसको बुलाओ कंश्याम को, बोलो खड़क सिंह आया पहे लेने, आज अगर मुझे पहे नहीं मिले तो जितनी गोलियां इस बंदूक के अंदर सबकी सब उतार दूंगा अपनी खोपड़ी में। नहीं नहीं ऐसे मत करना, वो शाम तो निकल गया। निकल गया? कहाँ निकल गया? वो आपके गांव गया पैसे देने। ओए पर उसने तो आज मुझे यहाँ बुलाया था। हाँ लेकिन उसको कल रात को ही पैसे मिल गए तो वो कल रात को ही गांव चला गया। हाँ
तो फिर मैं गांव भागता हूँ, नहीं तो फिर उसे कोई बहाना मिल जाएगा। और गड्डी स्टार्ट कर, चलो बैठो छेती, ओ बैठो फटाफट, चल चल। जान बची तो लाखों पाए। अबे ढक्कन बंद कर, ये ढक्कन कहीं को डालते रे। चलो जल्दी। मैं मुकाम पे तो पहुंच गई हूँ, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। रुको और इंतजार करो, वो जरूर आएगा। सर, एक वाइट मर्सिडीज आ रही है। That's it. उसी गाड़ी में पैसे हैं। जैसे ही तुम्हें पैसे मिल जाएं, मुझे फोन करो, मैं बच्ची को लेकर आ जाऊंगा। सर, वो मर्सिडीज तो कहीं और गई। चली गई है तो कोई दूसरी मर्सिडीज आ जाएगी। कौन सी जगह है? आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये आवाज काहे की है? ये क्या कर रहे हो? पेशाब कर रहे हो तुम? तो क्या हम लोग इधर पेशाब करने को नहीं बैठे? चार लीटर दारू पीने के बाद यही हाल होने वाला है इनका। ये राजो, ये राजो। अरे एक दूसरे का नाम मत लो। हाँ समझ गया, समझ गया। राजू बराबर बोलते, ये श्याम तू सुना, राजू बोलते नाम नहीं लेने का किसी का, समझा ना तू? तो मत लो ना। हाँ? नाम लगता है यही देवी प्रसाद है। कबीरा? हाँ हाँ कबीरा। अब पैसे लाए हो? हाँ। मेरी पोती कहाँ है? पैसे जल्दी लाओ। आपकी पोती आपको मिल जाएगी, पहले रुपये हमारे हवाले कर दो। ला मेरे को बैग में पैसा गिरे। ए रुको, पुलिस बैग वापस करो। बैग लो। वो बेचारा खाली बैग मांग रहा है, पैसा निकाल और बैग दे दे। कमान 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 कमान। बच्ची कहाँ है? बच्ची कहाँ है? नहीं बच्ची तो हमारे पास नहीं है। सीधी तरह से बताओ वरना शूट कर लो। नहीं, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? चले जाओ। देवी प्रसाद क्या जाति मामले में दखल मत दो। मैं अपना फर्ज निभाने आया हूँ, मुझे अपना फर्ज निभाने दो। मदद नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ मेरी पोती चाहिए। आपको अपनी पोती मिल जाएगी। बताओ बच्ची कहाँ है वरना तुम तीनों को फोन दूंगा मैं। मैं पूरा बताता हूँ। वो क्या हुआ कि हम लोगों को फोन आया, फोन में ड्रॉप योर गन। भागो, जल्दी से भागो यहाँ से। भाग यहाँ से। अरे ये क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। गाड़ी का ड्राइवर किधर ही रहे? अरे उधर क्या कर रहे हो? इधर आओ। अरे चलो भागो ना। अरे मोटरसाइकिल छोड़ो, आओ इधर जल्दी। क्या पागल पड़े देवी प्रसाद? रुक जाओ वरना गोली चल जाएगी। बाबा ये देवी प्रसाद ने पुलिस के साथ साथ लेडीज मिलिट्री भी बुलाई है रे। आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। नॉट यू, आप मिलिट्री के लोग जा सकते हैं। अपने अपने हेलमेट उतार दो। उतर क्या है, हमको थोड़ा पैसे चाहिए था तो इन लोगों ने मेरे को फंसा। मैं ऐसा आदमी नहीं रहा बा। मैं कम ऑन, मैं उतरता हूं। उतरता हूं रे। Move! 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 Move
को लगता है ये कबीरा का फोन है। शाम, शाम मेरी बात सुन, इस फोन से बात करना बहुत खतरनाक है। क्या कह रहा है? हट जा राजू, साला हट जा। हेलो दादाजी, ये लोग मुझे मार डालेंगे दादाजी। हेलो मुझे बचा लीजिए दादाजी। सुन लिया देवी के प्रसाद, ये जो पुलिस को बुलाने की गंदी हरकत तुमने की है, उसके बदले में मैं चाहूं तो तुम्हारी पोती की टांगे तोड़ के उसे भिखमंगी बना सकता हूं, या बनारस के किसी कोठे पर बेच सकता हूं। लेकिन मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, बिल्कुल आखिरी। मैं दोबारा फोन करूंगा, मैं दोबारा फोन करके तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें पैसे लेकर कब और कहां आना है। लेकिन ये मौका मैं तुम्हें ऐसे नहीं दूंगा। इस बार तुम्हारी पोती की कीमत होगी दुगनी, 20 लाख। हेलो हेलो शाम, क्या हुआ क्या हुआ? काय झालं रे? आज हमारी बेवकूफी की वजह से एक मासूम की जान खतरे में है। मैं इस पाप का बोझ और नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब तू कहाँ जा रहा है? देवी प्रसाद को ये बताने कि वो अपनी बच्ची को बचा ले। मैंने कहा ना तू नहीं जा सकता। राजू हट जा। मैंने कहा ना तू नहीं जा सकता। हट। मेरा चश्मा, मेरा चश्मा, मेरा क्या है ये? मेरा चश्मा। हाँ मिल गया। अरे बार बार सुन, अरे हल्का छोड़ दिया, सुन भैया, तो मैं जान से मार दूंगा, मैं जान से मार डालूंगा। हे बाबा देख, ऐसा खोटा काम करके ना उसको पैसा मांगता है ना मेरे को मांगता है, तो फिर तू काहे को जीत करता है? क्योंकि मैंने मेरी माँ से वादा किया था कि मैं उसे विद्या आश्रम से ले जाके नए घर में रखूंगा।